हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, आई होप कि अच्छे ही होंगे। और फिर एक न्यू सुबह होगी और न्यू ब्लॉग के साथ मैं आप लोगों के साथ। मेरा नाम है ब्रजेश और आप देख रहे हैं ब्रजेश देसी ब्लॉग। अभी सुबह की 8 बजे और मैं आज काफ़ी लेट उठा हूँ, तो दिन की शुरुआत करते हैं। और अभी सूरज काफ़ी तेज़ निकल चुका है और काफ़ी ज़्यादा धूप भी लग रहा है, तो आई होप कि आप लोग अच्छा ही होंगे। अगर आप लोग अच्छा है तो कमेंट करके बताइए। और पिछले ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है? अगर आप लोगों को अच्छा ब्लॉग लगा हो तो कमेंट करना और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा ब्लॉग लेके आऊँ। आज आसमानों में कुछ बड़ा ही बड़ा पक्षी नज़र आ रहा है, शायद धूप की गर्मी की वजह से इतना बड़ा बड़ा पक्षी धर रहा है। शायद ये जो पानी है वो सूख रहा है धीरे धीरे, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश तो अभी हो नहीं रहा है ज़्यादा, तो अभी धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रहा है, तो अभी ऊपर का जो खेत है वो भी थोड़ा सूखने लगा है। तो अगर ऐसा ही रहेगा मौसम तो बहुत जल्द। ये है हमारे गांव का लड़का जो अभी कुछ खार लेने के लिए आया है, पता नहीं शायद कुछ हो गया है गांव में इसलिए। तो ट्रैवलिंग ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, उसमें जो क्लिप था वो कैसा लगा वो कमेंट करके बताइएगा। और अभी सभी सारा काम बचा हुआ है, गाय के लिए चारा भी लाना है और काफ़ी ज़्यादा धूप भी हो रखा है, तो आज तो लगता है काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाला है गर्मी से। तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप है, हालत ख़राब हो जा रहा है। लाइट में तो पता नहीं चल रहा होगा, देखिए इसको हेडफोन लगा के पढ़ रहा है, ऐसा आप लोग पढ़ा कमेंट करके बताइएगा। तो अभी मैं लौकी के पेड़ के पास आ गया हूँ, देखता हूँ ऊपर जाके कि लौकी यह सीढ़ी शायद फूल तो है ऊपर, देखना पड़ेगा लौकी है कि नहीं। अभी इतना छोटा छोटा लौकी अभी है, अभी वही होगा 3-4 लौकी है इतना छोटा छोटा, बहुत जल्दी ये बढ़ेगा। तो जाते हैं अभी चारा लाने के। तो दोस्तों मैं भी खेतों के पास पहुंच चुका हूं और कुछ पक्षियों की आवाज़ आ रही है, गौर करना शायद कोई पक्षी ही होगा। तो अब काफ़ी ज़्यादा धूप आने आते आते बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, तो मिलते हैं आप लोगों से चारा काटने के बाद। दोस्तों मैंने अभी चारा काट लिया है और कुछ इस तरह का हाल हो चुका है गर्म से, तो ये चारा जो मैंने अभी काटा है और ये है अपना खेत, कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। तो अभी मैं घास लेके थोड़ी दूर आया हूँ और एक पेड़ के नीचे बैठ गया हूँ, ज़्यादा गर्मी लग रहा थी इसी वजह से। और यहाँ पर मुझे 2 बंदर दिखा है मेरे गांव का ही, जो इस क्या हुआ है अभी दिखा रहा हूँ जूम करके, जो एक तो ये है और एक छिप गया है दिखाता हूँ, और एक ये बंदर जो अपना फेस छिपा रहा है डर से। दोस्तों मैं अभी चारा लेके घर आ चुका हूँ और अभी जल्दी जल्दी मुँह धोता हूँ, उसके बाद स्नान करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से खाना खाने के बाद घर से थोड़ा आ गया हूँ घूमने के लिए, क्योंकि लाइट कट गया है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रहा है। अभी कुछ इस तरह का नज़ारा है इधर, और ये कितना खूबसूरत धान का खेत है, काफ़ी बड़ा बड़ा मंजर आ चुका है इसमें, बहुत दिनों बाद ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है मुझे। तो दोस्तों आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छा ही होंगे, तो आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा न्यू ब्लॉग आप लोगों के लिए रोजाना लेते आऊँ। सामने भी कुछ देसी कुत्ता था जो मुझे आते देखे, वो सब भाग रहा है कुत्ते, तो गांव में काफ़ी ज़्यादा देसी कुत्ता होता है जो रात को सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, एकदम हमेशा भौंकते रहता है, कुछ भी हो कोई अगर आदमी गाँव का भी हो तो उस पर ही दौड़ जाता है और उसके पीछे भागने लगा के आ चुका हूँ। और कुछ भी इस प्रकार है कि बच्चे पिछले ब्लॉग में दिखाया था, तो देखो अभी ऐसे सो रहा है लग रहा है। 4-1-2-3
एक वो है केला सबसे। तो अभी का मौसम कुछ ठंडा हो गया है, बादल लगा रहा है जैसे। तो आई होप मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो ऐसे ही तरह से सपोर्ट करते रहें। आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रहा है, सुबह से ही बहुत गर्मी लग रहा है और धूप भी काफ़ी तेज़ निकलता है जब भी निकलता है। तो अगर मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो भी सोशल साइट है उसका मैं लिंक दे रखा हूँ, तो वहाँ जाके आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस ब्लॉग को शेयर करें ताकि और लोग आपके जैसे जो लोग हैं वो देख सकें इस ब्लॉग को। तो दोस्तों आज की ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और कल से रेगुलर सुबह 9 बजे न्यू ब्लॉग, प्रतिडे 9 बजे आ जाएगा न्यू ब्लॉग। धन्यवाद दोस्तों।